प्यारे बच्चों, इससे पहले कि वीडियो में हमने आप लोगों को द्विघात समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना बताया था, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों को द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, या जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करके द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना बताऊंगा। लेकिन मूल ज्ञात करने से पहले हम लोग पहले द्विघाती सूत्र क्या है या द्विघाती सूत्र कैसे बनता है, इसकी सिद्धि पहले हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं, पहले उसकी हम सिद्धि देखेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो होता है। तो जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, इसी व्यापक रूप से द्विघाती सूत्र का निर्माण होता है या द्विघाती सूत्र की सिद्धि होती है। तो देखिए, द्विघाती सूत्र होता क्या है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए। देखिए, ये द्विघाती सूत्र है। जैसे हमको प्रश्न संख्या दो के प्रश्न नंबर एक में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल जीरो के मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन द्विघाती सूत्र की सहायता से, अर्थात इसी सूत्र की सहायता से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो इसी सूत्र पर अगर हम a b c का मान इस सूत्र पर रख देंगे तो हमारा x बराबर उत्तर आ जाएगा। लेकिन द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इस समीकरण में दिए गए x का मान या मूल ज्ञात करने से पहले हमें जो ये x बराबर ये सूत्र प्राप्त हुआ, ये सूत्र कैसे प्राप्त हुआ और कहां से प्राप्त हुआ, पहले हम इसे आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमने बताया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ठीक है भैया, तो ये जो व्यापक रूप है, इसी व्यापक रूप से ये एक्स बराबर प्राप्त होता है। तो आइए हम पहले इसको प्राप्त करके आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, इस सूत्र में लिखा है एक्स बराबर, अर्थात अगर इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से अगर मुझे x बराबर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो x बराबर करने का मतलब है कि x को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर, जो ये प्लस सी है इसे पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस सी हो जाए। अब आप देखिए, लेकिन सूत्र में माइनस फोर ए सी लगा हुआ है, तो माइनस फोर ए सी का मतलब कि ये जो माइनस सी है इसमें फोर ए से गुणा हुआ है, तो हम माइनस सी में फोर ए से गुणा कर देंगे। लेकिन जब हम केवल माइनस सी में फोर ए से गुणा करेंगे तो प्रश्न में बदलाव आ जाएगा, इसलिए हम दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में हम फोर ए से गुणा करेंगे। हम यहां लिखते हैं कि दोनों पक्षों में फोर ए से गुणा करने पर, तो जब हम 4a से गुणा इसमें करेंगे तो ये 4a स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हमको 4a से गुणा करना है। तो जब a में गुणा करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर रहेगा, प्लस 4a से गुणा इसमें करेंगे तो 4ab x बनेगा, बराबर जब 4ac इसमें करेंगे तो माइनस 4ac। अब देखिए, सूत्र में जो माइनस 4ac है वो मुझे प्राप्त हो गया,
लेकिन उससे भी पहले देखो बी स्क्वायर लिखा हुआ है और धन चिन्ह में लिखा है प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो हम इस पक्ष में बी स्क्वायर जोड़ देते हैं। लेकिन अगर केवल उसी पक्ष में बी स्क्वायर जोड़ते हैं तो प्रश्न में बदलाव हो जाएगा, इसलिए जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग करने की क्रिया अगर समीकरण के दोनों पक्षों में की जाती है तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम बी स्क्वायर अगर इधर जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ देंगे तो प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां लिखते हैं कि दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर तो जब हम दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस बी स्क्वायर इक्वल। इस भी पक्ष में जोड़ना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हमने समीकरण के दोनों पक्षों में बी स्क्वायर एड कर दिया, जोड़ दिया। अब आप लोग देखिए कि 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab x प्लस बी स्क्वायर जो है ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि ये 2 ये a स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है और ये b स्क्वायर का रूप ग्रहण कर रहा है और बीच में लिखा हुआ पद 2ab प्लस 2ab का रूप ग्रहण कर रहा है, इसलिए इन तीनों पदों को मिलाकर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जैसा कि हम आपको प्रदर्शित करके दिखा भी दे रहे हैं। जैसे अगर हम 4 का वर्गमूल 2 ले लें, a स्क्वायर का a ले लें और x स्क्वायर का x ले लें तो ये 2ax का होल स्क्वायर हो गया। प्लस b स्क्वायर के लिए अगर हम b का होल स्क्वायर कर दें और बीच में लिखें 2 गुणते a का मतलब 2ax प्लस b का मतलब b, तो अगर हम इसका गुणा करें 2 दूनी 4abx जो कि बीच में लिखा हुआ है, अर्थात ये अगर हम इसको a मान लें तो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अर्थात ये तीनों मिलाकर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसको इन तीनों पदों को मिलाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको हम प्रदर्शित कर देंगे, तो 2ax प्लस कितना भैया b का होल स्क्वायर, चूंकि सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या हो रहा है 2ax प्लस b का मान क्या हो रहा है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोगों को यह देखना है कि हमें तो x बराबर सिद्ध करना है, तो पहले क्या करिए कि जो ये स्क्वायर लगा हुआ है इस घात को आप हटाइए, तो 2ax प्लस बी बराबर, इसको हम कहते हैं भूत, एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं भूत, कहा गया है कि भूत हटा तो प्लस माइनस रूट चढ़ा, तो हम यहां प्लस माइनस रूट कितना लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात आ गई, तो हमें तो x बराबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जिसमें x लगा हुआ है उसको इधर रखेंगे बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे, तो 2ax बराबर ये प्लस बी है यहां आएगा तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 2ax बराबर आ गया। लेकिन हमें तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान में 2a, चूंकि 2a यहां x के गुणा में है यहां आने पर भाग, तो देखो जो ये x बराबर आ गया ये सूत्र की सिद्धि हो गई, तो हम यहां पर लिख देते हैं इति सिद्धम। अब हम इसी x बराबर दिए गए समीकरण का मूल्य हम निकाल लेंगे, तो इसे ही कहते हैं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो हमने इस समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने से पहले मैंने आपको उस द्विघाती सूत्र की सिद्धि मैंने आपको बता दिया, तो द्विघाती सूत्र की सिद्धि यहां से प्रारंभ होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर 0 अगर हो तो इसकी सहायता से आप ये x बराबर जो सूत्र हमने सिद्ध कर दिया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a, इसी को हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। इस सूत्र का एक और नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। क्यों इस सूत्र का नाम श्रीधराचार्य सूत्र पड़ा, क्योंकि श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने ही
इस सूत्र को बनाया, इसकी खोज किया, इसका निर्माण किया, इसी से इस सूत्र का नाम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र पड़ा। श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ने का यही कारण है क्योंकि इसको श्रीधराचार्य ने बनाया या इसकी खोज किया। अब हम प्रश्न संख्या दो में कहा है कि उपर्युक्त प्रश्न एक में, यानी इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या एक में जितने भी द्विघात समीकरण लिखे हुए हैं उन समस्त द्विघात समीकरणों के मूल हमको ज्ञात करने हैं पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो हम पहले ही प्रश्न को द्विघाती सूत्र की सहायता से इसका हम मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, जब हमें किसी द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उस द्विघात समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से करके ए बी और सी का मान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो लिखिए क्या कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल जीरो की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से करने पर, तो करने पर a बराबर, a का मतलब ये हुआ, देखो यहां x स्क्वायर के साथ a लिखा है, यहां x स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, अर्थात a का मान 2 होगा, a का मान 2। इसी तरह b, यहां प्लस बी एक्स है, x के साथ प्लस b लिखा है और यहां x के साथ माइनस b लिखा है, तो b का मान हो जाएगा माइनस 7। फिर कामा सी के स्थान पर यहां क्या लिखा है, 3 प्लस 3, इसलिए हम प्लस 3 ले लेंगे। तो जब किसी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके उसका मूल ज्ञात करना हो तो पहले उस समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो से करके ए बी और सी का मान निकाल लेना चाहिए। इसके बाद द्विघाती सूत्र लिखकर, द्विघाती सूत्र लिखकर अगर समीकरण में एक्स का प्रयोग हुआ है तो सूत्र एक्स बराबर बनेगा, अगर इसमें वाई अक्षर प्रयुक्त होता तो सूत्र वाई बराबर बनेगा, जेड प्रयुक्त रहेगा तो जेड बराबर सूत्र बनेगा, ए प्रयुक्त रहेगा तो सूत्र ए बराबर बनेगा। तो इसमें चूंकि यक्ष प्रयुक्त है इसलिए यक्ष बराबर, तो यक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए, तो एक्स बराबर माइनस बी, बी का मतलब कितना माइनस सात, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब जो बी का मान हो, तो माइनस सात का होल स्क्वायर, माइनस चार गुणे ए की वैल्यू क्या दी गई है दो, और गुणे सी की वैल्यू क्या है तीन, अपान में हम क्या लिखेंगे दो गुणे ए की वैल्यू क्या दी है दो, तो एक्स बराबर बनेगा, ये माइनस से जब ब्रेकेट टूटेगा तो प्लस सात हो जाएगा चूंकि अंदर माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट सात, माइनस सात का वर्ग 49 होगा, फिर माइनस चार दूनी आठ त्रे 24, अपान में क्या बनेगा दो दूनी चार। तो अगर हम इसको यहां पर लाकर हल करें x बराबर क्या बनेगा कि x बराबर सात प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से हम 24 घटा देंगे, जब घटा देंगे तो ये 25 बचेगा और अपान में क्या होगा चार, फिर एक्स बराबर सात प्लस माइनस, आप लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है पांच, तो हम यहां पर पांच लिखेंगे और बटे में चार, तो एक्स बराबर सात को में एक बार पांच जोड़ दीजिए तो सात प्लस पांच बटे चार, यानी एक्स बराबर सात पांच बारह बटे चार, तो चार की आई बारह, एक्स बराबर तीन, पहला मूल आपका तीन आ गया, दूसरा एक्स बराबर सात माइनस कितना पांच बटा चार, एक बार हम धन पांच ले लेंगे सात के साथ और एक बार सात के साथ हम माइनस पांच लेंगे, तो एक्स बराबर सात में से पांच जाएगा दो, दो बटा चार, तो दो एक अन्नम दो दूनी चार, तो एक्स बराबर एक बटा दो, तो एक्स के जो ये दो उत्तर आ गए यही इसके मूल हो गए, तो इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा एक बटे दो कामा तीन, यही समीकरण के क्या हो गए मूल हो गए। तो लिख दीजिए यही समीकरण के मूल है, यही समीकरण के मूल है, यही समीकरण के क्या है मूल है। इसी तरह हम लोग प्रश्न संख्या दो में
जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने एक बता दिया कि एक हम आपको और बता दे रहा हूं, प्रश्न संख्या दो का दूसरा भी हम आपको बता दे रहे हैं। सवाल इसमें क्या है, 2x² दूसरा है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखिए इस भी द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करके ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2x² प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर। तो अगर हम देखें यहां x² के साथ ये लगा हुआ है तो यहां x² के साथ 2, अर्थात a का मान 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2, यहां bx के साथ प्लस भी लगा है तो यहां x के साथ प्लस 1 लगा है, तो अर्थात b का मान 1 होगा। c का मान कितना होगा, -4, तो c बराबर -4। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र। तो मैंने बताया कि अगर प्रश्न में समीकरण में अगर x अक्षर का प्रयुक्त है तो सूत्र x बराबर बनेगा, और अगर y का प्रयोग है तो सूत्र y बराबर बनेगा। तो यहां x प्रयुक्त है इसलिए x बराबर, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x बराबर -b का मतलब कितना, 1, प्लस माइनस √b का मान कितना, 1, 1 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना, 2, इसके बाद c का मान -4, और बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, 2। तो x बराबर यहां बन जाएगा -1 प्लस माइनस √1, 1 का वर्ग 1 ही आता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 × 8 = 32, और बटे में कितना होगा, 2 × 4। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -1 प्लस माइनस √32 33 बटे में क्या होगा, 4। अब देखो चूंकि 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं कि इसका वर्गमूल निकल आवे, इसलिए यही इस प्रश्न के मूल हो जाएंगे x बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः -1 प्लस √33/4 और -1, एक बार तो मैंने प्लस में लिख दिया, माइनस में लिखेंगे तो -1 माइनस √33/4 ही समीकरण के मूल होंगे, समीकरण के मूल होंगे। इसी तरह से आप प्रश्न संख्या 2 में तीसरे चौथे को भी आप लोग हल कर सकते हैं, या हम अगले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 2 के तीसरे और चौथे प्रश्न को भी बता दूंगा। बस इसी पर हम अपने बात को विराम देते हैं। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप लोगों को यथासमय मिलती रहे।